हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे डिवाइड। डिवाइड बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे दूं। जिस तरीके से हम लोग जनरल डिवाइड ये सारा करते हैं, उसी तरीके से हम अलजेब्रा का भी डिवाइड करेंगे। जैसे 2 के टेबल से 9, 4 चांस में 8, 1, 6, 8 बार में 16, 3 के टेबल से 7 नहीं होता है, 2 चांस में आपका होगा 6, 1, 8, 6 बार में 18। सेम इसी तरीके से हम इसको भी डिवाइड करेंगे। इसको करने के लिए 2x प्लस 2 डिवाइड 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 4 2 बार में होते हैं, और यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी x में हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर आएंगे, यानी 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, और कल हमने आपको मल्टीप्लाई बताया था, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x। इस पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x। इसके बाद का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये होगा कि जो नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट के सारे सिंबल्स को हम चेंज कर देंगे। यदि प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x हो जाएगा प्लस 9। यहाँ पे 2x और 2x से मैच कर रहा है, इसलिए इसको हम 1 बार में ले जाएंगे। 2x प्लस 1 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2। सेम इसी तरीके से इसके भी सिंबल्स को चेंज करेंगे, माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7। यही मेरा रिजल्ट होगा, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 3 डिवाइड करेंगे 12x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 27। इस पार्ट को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 है और 12 है। 3 के टेबल में 12 4 बार में होते हैं, यानी 4। यहाँ पे x है और x स्क्वायर में टारगेट करने हैं, इसलिए x में x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 4x। इस पार्ट को इस पार्ट से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 4x, 12x स्क्वायर प्लस 12x। इस पार्ट को यहाँ पे पुट करेंगे, 12x स्क्वायर प्लस 12x, इसका सिंबल चेंज करेंगे, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर कैंसिल, 12x में से 9x को सब्ट्रैक करेंगे, माइनस 3x, चूँकि ये बड़ा है इसलिए माइनस का सिंबल होगा, प्लस 27। अब इस पार्ट में हमें 3x और 3x मैच कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसलिए इसके थ्रू हम लोग चलेंगे, माइनस है तो माइनस, और 1 बार में इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 3x माइनस माइनस 3, इसका सिंबल चेंज करेंगे, प्लस प्लस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 27 और 3 30। इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एक बार फिर से, 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस 1 में 3 से माइनस, 3x प्लस माइनस माइनस 3। इस पार्ट को हमने यहाँ पे पुट किया हुआ, आप एक बार इसको नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए कुछ होमवर्क है जिसको आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद इसको बनाने का कोशिश करें। यदि फिर भी आपको इस पे कोई प्रॉब्लम होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके लिए एक स्पेशल वीडियो डाल देंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में इस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को अरेंज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर पहले, एक्स वाला वेरिएबल उसके बाद कॉन्स्टेंट पार्ट। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में है इसलिए माइनस, 2x प्लस 3 डिवाइड 5x क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। उसके बाद फिर से वैसा ही, x स्क्वायर है यहाँ पे, x क्यूब है, पहले तो x से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर उसके बाद 5 है तो 5 से। इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 5 में 5 से 5x क्यू माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x। इस पार्ट को यहाँ पे पुट करेंगे, 5x क्यू माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x कितने बार में है तो 5x बार में। इसके सिंबल को चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
टेन एक्स स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चूंकि ये बड़ा है इसलिए प्लस में होगा, 6x स्क्वायर माइनस 15x बड़ा है, 3x छोटा है इसलिए माइनस में होगा, 12x ऊपर से आएगा माइनस 18। फिर से इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, 6x स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर है 6 नहीं है इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 6, 6 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18, इसका सिंबल को चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल ये कैंसल, और 18 18 36, ये मेरा आंसर होगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड नंबर को सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले, 3x प्लस 4 डिवाइड, इसको भी अरेंज करना पड़ेगा पहले एक्स क्यू, चूँकि वेरिएबल का सबसे ज़्यादा पावर इसके पास है, 5x क्यू माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7। इस पार्ट को सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्यू है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमें एक्स की ज़रूरत है, उसके बाद यहाँ पे 5x में मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 5x क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 20x। इस पार्ट को यहाँ पे ले जाएंगे, 5x क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 20x, 5x बार में, इसके सिंबल को चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसल, 15x स्क्वायर बड़ा है और 13x स्क्वायर छोटा है इसलिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका पॉजिटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव साइन, 2x स्क्वायर ये बड़ा है माइनस 20x है, ये बड़ा है ये छोटा है इसलिए माइनस का सिंबल होगा, 20x में से 15x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5x प्लस 7। फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, 2 की कमी हो रही है इसलिए इसको 2 चांस मिले जाएंगे, 2 से इस पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसके सिंबल को चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, 6x बड़ा है कंपेयर टू 5x, 6x में से 5x गया x और माइनस 8x बड़ा है 7x से इसलिए माइनस 1। आप इस पार्ट को पहले नोट कर लीजिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, आप इसको सबसे पहले नोट कर लें, नोट करने के बाद आप इसको बनाने का प्रयास करें। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस पार्ट को क्लियर करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं इसलिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री, इस पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले एक्स लेंगे, इन सारे पार्ट को लिख देंगे एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री, फिर माइनस टू लेंगे, फिर से इस पार्ट को लिख देंगे एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री, फिर माइनस रूट थ्री को लेंगे और फिर से इस पार्ट को लिख देंगे एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में टू से मल्टीप्लाई कराएंगे टू एक्स, और एक्स में थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे रूट थ्री एक्स, माइनस टू एक्स, माइनस और माइनस प्लस होंगे और दो दो फोर, माइनस प्लस माइनस टू में रूट थ्री से कराएंगे टू रूट थ्री, माइनस रूट थ्री में एक से कराएंगे रूट थ्री एक्स, माइनस माइनस प्लस होते हैं, टू में रूट थ्री से टू रूट थ्री, माइनस रूट थ्री में रूट थ्री से करेंगे तो थ्री होंगे, क्योंकि कभी भी हम रूट थ्री में रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे रूट नाइन और रूट नाइन का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, रूट फोर इंटू रूट फोर रूट सिक्सटीन और सिक्सटीन का फोर, रूट फाइव इंटू रूट फाइव 25 और 25 का 5 हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम रूट थ्री में रूट थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे 3। अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 2x और 2x 4x, रूट थ्री एक्स को जैसा वैसा लिख देंगे रूट थ्री एक्स, 4 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 1 माइनस टू रूट थ्री और माइनस रूट थ्री एक्स प्लस टू रूट थ्री, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है ये कैंसिल हो जाएंगे,
यहाँ रूट थ्री एक्स पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये मेरा पार्ट हुआ। आप पहले इसको एक बार नोट कर लें, उसके बाद इस टर्म से हम इस टर्म को डिवाइड मारेंगे, इस पार्ट को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स फोर चाहिए, इसलिए इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन को, तो मेरे पास होगा एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। इस पार्ट को यहाँ पे रखेंगे, एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, कितने बार में एक्स स्क्वायर। इसके नीचे वाले सिंबल को चेंज करेंगे, प्लस में है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये पार्ट कैंसिल हो जाए, माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर। अब इस पार्ट को हमें यहाँ पे ये लाना है, इसलिए टू टू हमें चाहिए, मेरे पास एक्स स्क्वायर है इसलिए टू एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, माइनस टू एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एट एक्स माइनस टू एक्स। इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एट एक्स माइनस टू एक्स, नीचे वाले सिंबल को हम चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर और सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होंगे, ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर और एट एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव में हैं, प्लस वन फोर ज़ीरो एक्स, ऊपर से आपका थर्टी फाइव। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर चाहिए भी, बट थर्टी फाइव नहीं है, इसलिए इस टर्म को माइनस थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन फोर्टी ज़ीरो माइनस माइनस प्लस माइनस थर्टी फाइव। इस पार्ट को यहाँ पे रखेंगे, माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर ज़ीरो एक्स माइनस थर्टी फाइव, ये माइनस थर्टी फाइव बार में, इसके सिंबल को चेंज करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये सारे टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो होगा। आप इसको एक बार नोट कर लें, उसके बाद हम फिर आपको दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने के लिए देंगे, आप होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस को नोट कर लें। आप इसको करने का कोशिश करें, यदि आपसे नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसका स्पेशल वीडियो बना के दे दूँगा।